नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर वन मिलियन। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। बात करेंगे, फुल फ्लेज वीडियो लाया हूँ। कंपटीशन के बेसिस से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होती है ये, और इससे मिनिमम 2 मार्क्स का हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जी जीएस का पार्ट है, ज्योग्राफी के अंदर आता है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो बात करेंगे कि टोटल सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है एक तो प्लैनेट्स, सन, एस्ट्रॉइड बेल्ट, कॉमेट्स, मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स, मून। ठीक, ये हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक, नाउ हम बात करेंगे सन की। तो सन से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सन के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है सन के अंदर। तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है सन के अंदर। हाइड्रोजन प्लस हीलियम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। हीलियम होती है 23.8 अप्रोक्सीमेट 24% प्रेजेंट होती है हीलियम। गॉट इट और नॉट। ठीक, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट होती है। एक पॉइंट आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, और बाकी सब और सारी गैसेस होती है। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे। तो टोटल प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो हैं 8। ठीक, 8 इनर प्लैनेट है, 8 आउटर प्लैनेट, 4 आउटर प्लैनेट है, 8 इनर प्लैनेट है। तो देखिए इनर प्लैनेट कौन से, पहले 4 इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इनर प्लैनेट एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से 4, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक, ये 4 प्लैनेट क्या है, इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है इनको। नाउ फोर्थ, आखिरी के 4 इनको क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट एंड जाइंट प्लैनेट। क्या, क्योंकि ये बड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मेड अप ऑफ गैसेस, और ये सन से बहुत दूर होते हैं। सन से क्या होता है, सन से ये बहुत दूर है, ये 4 प्लैनेट बहुत दूर है, ये सन के बिल्कुल पास है। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वेरी क्लोज टू द सन। ये 4 होते हैं मेड अप विद रॉक्स, ये रॉक्स से बने होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं। और यहाँ पे नोट क्या लिखा है मैंने, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। इनके चारों तरफ क्या होती है, रिंग बनी होती है। ठीक है, जो कि नेप्ट्यून की बहुत मुश्किल से दिखती है। ठीक है, दिखती नहीं है, इसको हम पता लगा ही नहीं पाए इसके पास रिंग है या नहीं, लेकिन रिंग है इसके पास आउटर मोस्ट। अब मैंने ये क्या बना रखा है, ये होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, बेल्ट होती है जिसमें अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ईट, पत्थर, कंकड़, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, प्लैनेट, छोटे छोटे प्लैनेट्स, रॉक पार्टिकल्स, सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। इधर से एक क्वेश्चन क्या बनता है, इधर से एक क्वेश्चन ये बनता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच से गुजरती है। तो बीच से, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर, मार्स और जुपिटर के बीच से गुजरती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक, आपको मजा आएगा अभी। ठीक है, मैं इधर से क्वेश्चन आते क्वेश्चन हमारी सीरीज में जो लेके आऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बात करते हैं मरकरी की। ठीक है, मरकरी कितना किलोमीटर दूर है, 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। ठीक, सन के पास ही है कंपेयर टू अदर प्लेनेट। ठीक है, सन के पास सबसे पास मरकरी है सन के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट प्लेनेट। क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट प्लेनेट, सन के पास है स्मॉलेस्ट प्लेनेट। मतलब ये डायमीटर देख रहे हैं, ये सब अंदर मैंने डायमीटर लिखा हुआ है अंदर। ठीक, अब ये ध्यान देना, 4879 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है, ये ग्रह होते हैं, ये सोलर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। ठीक, ये ग्रह है मरकरी, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, प्लैनेट है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। अब देखिए मूव का मैं बात क्लियर करता हूँ, दो चीज होती है, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन वो होता है जो अपनी जगह पर घूमता है, कितने देर में घूम रहा है उसे रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन होता है सन के चारों ओर। ठीक, सन के चारों ओर, गॉट इट और नॉट। ठीक, अब सबसे क्या मैंने बोला, फास्टर मूविंग प्लैनेट, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है सूर्य के, एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट। 88 दिनों में 88 डेज में पूरा कवर कर लेता है सन को। ठीक, नाउ हम बात करते हैं, देखो मरकरी की एक खास बात, जितना गर्म दिन होता है
उतनी ठंडी रातें होती हैं इसके लिए मरकरी की, ठीक है। कंपटीशन में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉटेस्ट प्लेनेट किसको कहा जाता है, एसएससी सीजीएल में 2012 में शिफ्ट वन में पूछा गया था। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, मैंने क्या बताया अभी, जितना गर्म दिन होता है उतनी ठंडी रातें होती हैं किसकी, मरकरी की। आर यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मरकरी हैज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर CO2 प्रेजेंट होती है, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नाउ इधर से जो क्वेश्चन उठेगा बिल्कुल गलत नहीं करके आने वाले आप। नाउ आगे बढ़ते हैं वीनस की तरफ, जो कि 108 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, ठीक है, सन से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक। नाउ उसका डायमीटर कितना है, 12104 किलोमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर है। नाउ इट इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे मेन पॉइंट है कि वीनस को क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। Now, अब हम बात बता देता हूं हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि रात में इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 475 डिग्री सेल्सियस, रात में भी इतनी गर्मी रहती है, इतना हॉटेस्ट प्लेनेट है ये, ठीक। तो इसीलिए हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है इसको। सिस्टर प्लेनेट टू द अर्थ, मतलब अर्थ के पास जो ये वीनस, इसको बहन भी कहते हैं अर्थ की, ये ध्यान रखना मेन पॉइंट है, ठीक। अर्थ की बहन कौन, वीनस, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। और इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, किसको, वीनस को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, देखो हॉटेस्ट प्लेनेट है तो ब्राइटेस्ट मतलब शाइनिंग स्टार भी इसे कहते हैं, क्या इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। 96% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है 96% कार्बन डाइऑक्साइड। आर यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, ठीक। तो ये वीनस से क्वेश्चन उठते हैं, इसको अच्छे से देख लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का, ठीक है, कि बाद में अपनी कॉपी पे बना के रखना ये अच्छे से, नोट्स पेन और कॉपी साथ में लेकर चला करो, ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अर्थ की, ठीक। अर्थ हमारा क्या है, यूनिक प्लेनेट है। यूनिक प्लेनेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिविंग, हम जहाँ रह रहे हैं वो क्या है, अर्थ, क्योंकि हम रह पा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर क्या है, हर चीज़ है, वाटर से लेके एयर, ऑक्सीजन, सब कुछ है हमारे पास, क्योंकि इसीलिए हमारा क्या है, यूनिक प्लेनेट है। नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। 2/3 कवर्ड विद वाटर, अर्थ का पार्ट 2/3 कवर्ड है पानी से, इसीलिए इसको पानी का रंग कैसे होता है, ब्लू। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। 5th largest, 3rd nearest टू द सन, सन से तीसरे नंबर पे नियर, कितनी दूरी पे है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, ठीक है। तो 3rd nearest टू द सन, 5th largest डायमीटर से, ठीक है, डायमीटर के इक्वल से 5th है, ठीक, 5th नंबर पे आता है, ठीक। अब बात करते हैं सैटेलाइट कितनी है अर्थ के पास, एक सैटेलाइट है जो कि, जिसका नाम क्या है, मून, क्या नाम है, मून, नेचुरल सैटेलाइट है, क्या है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के पास, ठीक। अब बात करते हैं मार्स की, मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहता है, ये कॉमन है अर्थ से, मतलब अर्थ से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, ठीक। मैंने क्या समझाया, अर्थ पे पानी था लेकिन मार्स के पास पानी नहीं है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, कॉमन है जैसे अर्थ के हैं वैसे, लेकिन वाटर नहीं है इस पे, ठीक है, क्या नहीं है, वाटर नहीं है इसके पास, 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, मैंने काट दिया इसको, लिख देते द्वारा, 2 सैटेलाइट है इसके पास, ठीक। अब ये मैंने एस्ट्रॉइड बेल्ट बता दिया, ये कंप्लीट हो चुका हमारा, ठीक। अब देखिए ये ध्यान रखना, ये क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला मरकरी था, सेकंड कौन सा है, मार्स है,
ठीक है, गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ठीक, अब बात करते हैं जुपिटर की. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया, जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैव रिंग्स, इनके पास क्या है, रिंग्स है. इनको क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं. नाउ हम जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं तो ये सन से कितना दूर है, 778 मिलियन किलोमीटर दूर है. कितना दूर है, 778 किलोमीटर दूर है. ये जो मैंने क्या बताया था पहले कि चार जो प्लेनेट है वो कौन से प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट एंड साइंट प्लेनेट कहते हैं, मतलब बड़े. ठीक है, बड़े बड़े प्लेनेट्स कहां पर हैं, चार आखिरी के, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक, अब हम जुपिटर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर देखिए लार्जेस्ट प्लेनेट और जायंट प्लेनेट है, मतलब बड़ा ग्रह है. सबसे बड़ा ग्रह किसको कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है. ठीक, फास्टेस्ट रोटेटिंग, ठीक है, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट, ठीक है, सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला भी प्लेनेट इसको कहा जाता है. पहला कौन सा था, मरकरी. दूसरा कौन सा है, जुपिटर. ठीक है, नाउ मिनी सोलर सिस्टम भी इसको कहा जाता है, मतलब मिनी, अपने में ही इतना विशाल, इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक सोलर सिस्टम आ सकता है, तो मिनी सोलर सिस्टम अपने में ही कहलाया जाता है. ठीक, देखो हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होती है इसमें. ठीक है, कंपेरिजन किसकी कर रहा है, ये सन में. देखो हाइड्रोजन और हीलियम किस में पाई जाती थी, सन में पाई जाती है. जुपिटर में भी हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है. ठीक है, इसके पास 67 सैटेलाइट हैं. सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास हैं, जुपिटर के पास है. किसके पास, जुपिटर के पास, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, और इसका डायमीटर कितना, डायमीटर कितना है, देखो लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए लार्जेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है, विशाल है. ठीक, नाउ हम बात करते हैं सैटर्न की. तो सैटर्न के अंदर क्या आता है कि ये कितना किलोमीटर दूर है, ये सन से बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर है, 1427 बिलियन किलोमीटर दूर है सन से. ठीक है, तो और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर भी बड़ा है. ठीक है, लेकिन जुपिटर से छोटा है. ठीक है, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है, ये याद रखना, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट कहा जाता है. ठीक, नाउ ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, जुपिटर पहला, सैटर्न दूसरा. ठीक, सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप. अर्थ से हम सैटर्न को देख सकते हैं विदाउट एनी टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या होता है, जो देखने देखते हैं ना, मतलब साइंटिस्ट वगैरह देखते हैं, तो उन वो उसको देखे बिना ही, उसके देखे बिना ही हम देख सकते हैं अर्थ से सैटर्न को, मतलब ऊपर जाके सैटेलाइट पे, समझ जाए करो यार. 62 सैटेलाइट, सेकंड नंबर पे सैटेलाइट आती है. जुपिटर में कितनी थी, 67 सैटेलाइट थी, एंड देन सैटर्न में कितनी है, 62 सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, समझ में आ रही है ना बात. ठीक, अब बात करते हैं यूरेनस की. यूरेनस क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है. क्या है, थर्ड लार्जेस्ट. पहला कौन सा मैंने बताया, पहला जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस. ठीक, थर्ड क्या है, यूरेनस. चार गुना बड़ा है अर्थ से, अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ से चार गुना बड़ा है यूरेनस. ठीक है, यूरेनस क्या है, चार गुना बड़ा है. कोल्डेस्ट प्लेनेट क्यों कहा जाता है कोल्डेस्ट, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है. सूर्य बोले तो सन, सन से क्या है, बहुत दूर है. इसको इसलिए क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट प्लेनेट कहते हैं. क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट प्लेनेट. इसके पास कितनी सैटेलाइट है, 27 सैटेलाइट है यूरेनस के पास. गॉट इट और नॉट. ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं. ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारे मेन पॉइंट लिखे रखे हैं जो को मतलब पूछे जाते हैं कंपटीशन में. ठीक, अब हम पूछते क्या कहते हैं, नेपच्यून पे आते हैं. ब्लू जाइंट प्लेनेट, ब्लू जाइंट प्लेनेट मतलब बोले तो सूर्य से कितना दूर है, 4497 बिलियन किलोमीटर. बिलियन, बिलियन कब से स्टार्ट हुआ था, हमारा सैटर्न से. सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून बिलियन किलोमीटर दूर चले गए थे. बिलियन तक कौन था, जुपिटर था. याद रखिएगा पॉइंट, बार बार मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ. ठीक है, 4000. ठीक है, इसका ये क्या हुआ, फार्देस्ट प्लैनेट, मतलब सबसे दूर ग्रह कौन सा है पूछा जाएगा. फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है, फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है, नेपट्यून है. कौन सा है, नेपट्यून है. नाउ 13 सैटेलाइट है किसके ऊपर, 13 सैटेलाइट किसकी है, नेपट्यून की. तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी है, जुपिटर की है. सेकंड नंबर पे किसकी आती है, सैटर्न की आती है. देन उसके बाद यूरेनस, देन उसके बाद नेपट्यून, देन इसके बाद कौन सा आता है, किसके पास, मार्स, देन उसके बाद अर्थ. अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जो कौन सी है, मून है. ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये आपको पूरा कवर हो गया. ठीक है, सोलर सिस्टम पूरा खत्म, जितने भी क्वेश्चन बनते थे इसके ऊपर बनते थे. एक चीज और आई यहां पर, मैं बता दूं 24 घंटे में हमारा क्या होता है,
रेवोल्यूशन या रोटेशन होता है? रोटेशन होता है 24 घंटे में, 365 दिन में क्या होता है, 365 दिन में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, मतलब सूर्य के चक्कर लगा पाती 365 दिन में हमारी अर्थ। रोटेशन और रेवोल्यूशन मैंने बताया ना दो चीज, तो वही चीज है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कमेंट करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। नाउ मैं अपनी हिस्ट्री की लेकर आने वाला हूँ सीरीज, तो अगर जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले हिस्ट्री बहुत मजे में स्टोरी में पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आर्यन आए थे, देन उसके बाद क्या हुआ था, वैदिक एज आया था, वैदिक एज में क्या आया था, ऋग्वेदिक एज, तो ऐसे पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में, बिल्कुल माहौल बना दूंगा बढ़िया वाला। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।